कम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज इस झूले से ममलेश्वर महादेव टेंपल की ओर जाएंगे। ये झूला पुल लांगे है, इसी रास्ते से हम लोग झूला पुल की तरफ जाते हैं। यहाँ का ये झूला पुल बहुत ही फेमस है। ओमकारेश्वर मंदिर जहाँ ओमकारेश्वर महादेव हैं, ये है नर्मदा नदी, बहुत ही उफान पर हैं, चारों तरफ लहरा रही हैं बहुत। ये फूल नारियल सा बेचने वाले सारे एक लाइन से लगे हुए हैं, माला हर चीज़ मिल जाता है यहाँ। वाइफ के साथ मैं सेल्फी ले रहा हूँ नर्मदा नदी के साथ। जय मां नर्मदे। बहुत रौद्र रूप लिया, ये वो है गांव में जो दिख रहा है वो पूरा झूला पुल है जो हमें ममलेश्वर महादेव के पास ले जाएंगे। ममलेश्वर महादेव एक ज्योतिर्लिंग है जो शंकर भगवान जी के हैं, लेकिन प्रसिद्ध यहाँ पे ओमकारेश्वर हैं। ओमकारेश्वर महादेव यहाँ ज़्यादा पर प्रसिद्ध हैं, पर भगवान तो भगवान ही होते हैं। ये चलिए हम लोग आपको ले चलते हैं झूला झूल के झूला पुल के पास। करीब पहुंचने वाले हैं हम लोग, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे धन्यवाद लिखा है। इधर से हम लोग जब उधर से झूले की तरफ से आएंगे तो इधर से अंदर ये है झूला पुल का एंट्री गेट। यहाँ पे सुस्वागत लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग एंट्री करके उधर जाएंगे। इस दिन में ये सब फूल है, इन माता जी का इन्होंने फूल गिरा दिया तो कुछ बोल रही हैं। ये हम लोग अब अंदर एंट्री कर दिए पूरे झूला पुल के लिए, यहीं से अंदर जाते हैं। ये दिन के टाइम थोड़ा कम झूलता है, शाम के टाइम जैसे ही शाम होता है लहरें थोड़ी तेज़ होती हैं, शांत होता है, हवाएं चलती हैं, तो झूला पुल तेज़ी से बहता है, लहराता है झूला, एकदम झूले जैसे फील होता है, इसीलिए इसका नाम झूला पुल रखा गया है। और ये चारों तरफ भीड़ है, हम भी आगे जा रहे थे झूले पुल से बाहर निकल जाए तो फिर डर बना रहता है। सभी लोग यहीं से खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, मैं भी अपना सेल्फी ले रहा था, सभी लोग। और मैं भी आओ चलो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। कुछ ही देर में हम लोग ममलेश्वर महादेव के टेम्पल पहुंच जाएंगे। अब ये पुल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फनी मोमेंट था, बहुत मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा सा लहरा भी रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। तो जो भी यहाँ आए ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए तो ये झूला पुल में ज़रूर एक बार घूमने आए। अधिकतर लोग आते हैं, इनका झूले पुल का आनंद लेते हैं, लोग उठाते हैं। और यहाँ से झूला पुल समाप्त हो गया, अब हम ममलेश्वर के लिए अंदर एंट्री किए। ये यहाँ का चिकनजी पी रहे हैं, बहुत ही अच्छा चिकनजी बनाया था इन्होंने, सॉरी लस्सी था तो हमने पिया यहाँ पे। अब वो वहाँ पे जो दिख रहा है टेम्पल ममलेश्वर है, ये है ममलेश्वर महादेव का टेम्पल, बहुत प्राचीन टेम्पल है। ओमकारेश्वर महादेव जी की प्राचीन टेम्पल है, ये बहुत पुरानी कलाकृतियाँ इसमें बनी हुई है और चारों तरफ का नज़ारा है ये। किसी तरफ से हम लोग जाते हैं, बहुत बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर है, जो एकदम अपने आप के मिसाल हैं, पहले के आर्किटेक्चर लाजवाब थे, बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही सोचने में मजबूर कर देते थे। ये यहाँ से हम लोग ममलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। वो जो शिवलिंग है वही ममलेश्वर महादेव है, उनके दर्शन करते हैं, हमारा पूरा शरीर पवित्र हो गया। और ये हमारे गुरु जी हैं जो सबको, इसमें हम लोग 7 बार ममलेश्वर महादेव को छुए, सभी मनोकामना पूरी होती है। तो जो भी आए यहाँ पर प्लीज़ 7 बार भगवान शिव के दर्शन करें और ये अपने शेष को दर्शन कराते हुए। यहाँ पे भीड़ नहीं थी, यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गया, छू करके हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिया ममलेश्वर महादेव का। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही
खूबसूरत नज़ारा था। इस नज़ारे को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत सुकून सी जगह है। यहाँ ज़रूर सभी लोग आए, बहुत ही सुकून। ये मेरे श्रेष्ठ को 7 बार चुराते हुए शिव भगवान के दर्शन करते हुए और अब हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे। ये दान पात्र है, यहाँ पर दान नहीं करें और लोग बाहर आते हुए यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे। सुरेश के यहाँ पर फ्रेंड मिल गया, कुछ समय गुब्बा आया, धन्यवाद। अब हम लोग कल मिलेंगे, धन्यवाद।